कि अभी जब ये क्रीम खोले है ना, तब अभी मेरा देखिए हमें दिमाग सटक गया, क्योंकि एकदम हमको पता नहीं था कि ये जे अंकल आंटी हमको आशीर्वाद दीजिए, मेरा आज से मैथ वाला टेस्ट है, फिर कल हिंदी पता नहीं क्या है। टेस्ट नहीं है, एग्जाम है। हाँ एग्जाम है, एग्जाम टेस्ट भी तो बोलते हैं अंकल। ये भी जाएगा, देखिएगा कहाँ जा रहा है सब लोग। डोबो अचार बंद करो, किसू अच्छे से घिस अंदर घिस दो ना। तो यहाँ पे नहीं, प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि ऐसे इधर करो, ऐसे करो, बारिश का पानी से गल सकता है। हम रिस्क ऐसे नहीं कर, लेंगे, फूलों को वहाँ और लगाएंगे, कर। अमरूद का पेड़ के पास। बहुत मुश्किल होता है यार अकेले सब कुछ करना। कुछ उम्मीद में ही करती हूँ ना कि हाँ चलो जी जान लगा करके किसी चीज़ में लगी हुई, कभी तो रिजल्ट आएगा। किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का नहीं, ना अच्छा बोलने के लिए, बुरा बोलने के लिए सब कोई है। आप में से भी कुछ लोग आके सलाह दे देते हैं, उससे मेरा ना गुजारा नहीं चलता, मेरा स्ट्रेस भी कम नहीं होता है। आप लोग सोचते होंगे कि एक लाइन अच्छा बोल देंगे। राधे दोस्तों, प्रीति चैनल से आप लोग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशापनी वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर चुके आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। राधे राधे अंकल आंटी, मैं सुगन दिनकर। ये पट्टी ले आए और क्लिप लगा दिए दोनों साइड, और चोटी इधर छिपा दी इधर करो, देखिए इस तरह से बना दिए। वैसे एक ही चोटी इसलिए बना ना, क्योंकि क्योंकि रबर कभी कभी इधर उधर गुम कर देती है, और ये फेंकती है फिर बाबू फेंक देता है, फिर हमें नहीं मिलता है। तो सुबह हो गया है, स्कूल जाने का टाइम हो गया सगुन का, तो इसको रेडी कर दिए सबसे पहले। अब इसको नाश्ता कराएंगे। कि अभी जब ये क्रीम खोले है ना, तब अभी मेरा देखिए हमें दिमाग सटक गया, क्योंकि एकदम हमको पता नहीं था कि ये जेल वाला है। मतलब ये पढ़ा लिखा आदमी है ना, मैं तो दुकान पे नहीं गई थी, बाहर ही थी, और बच्चे इतना तंग करते कि मैं वापस क्रीम हाथ में लेके देखी भी नहीं, और ये जानता है कि मैं कौन सा क्रीम लगाती हूँ, क्या लिखा हुआ रहता है, और जेल लिखा हुआ यहाँ पे स्पष्ट है कि जेल है। और अभी मैं खोली इसको, देखी ना इस तरीके से, बोली अरे पानी, कहीं क्रीम पानी पानी तो नहीं हो गया पुराना। जब मैं खोल के देखी, दिखा रही हूँ, देखिए पूरा जेल है। अब जेल वाला क्रीम हम देखो, ये क्या लिए हो, देखो तुरा तो उल ले लिया है। एक ही क्रीम हम यही इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, और देखिए अब ये तो क्या करोगे, नहीं लेगा ना, इसका रैपर निकाल दिया ना। हाँ अब बोला जा रहा है कि ये क्रीम इस्तेमाल करो, दूसरा ला देंगे। अब ये क्रीम तो है ही नहीं, जेल है, हम और करिया हो जाएंगे, क्योंकि पूरा तेल तेल लगा करके। मम्मा आप क्या निकाल रहे हैं? निकाल रहे सबून, तुम्हारा कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड नहीं, कार्डबोर्ड। देखिए मिल गया, यही ढूंढ रहे थे तब से, हमको लग रहा था कहाँ रखे कहाँ रखे, क्योंकि ये पिछले साल का है, मतलब जब सगुन UKG में थी तब दिए थे ना, टाई और सॉक्स दिए थे लास्ट में। कहाँ फैलाए थे लास्ट वाला कपड़ा? उठेगा लेट से और ब्रश करना शुरू कर देगा, उसका सबसे का पहला काम होता है ब्रश करना। मिलेगा तुम ना, उसका याददाश्त भी बहुत कमजोर है। मिला दोनों टाई, यहाँ कपड़ा में कैसे होगा, लास्ट में दिए तो थोड़ी ना सूखा होगा। तू लाया टाई, वहां पे गिरा हुआ था, गिला हुआ था बेटा। एक सॉक्स और ढूंढो ना किसु। हाँ यहाँ पे नहीं है, नहीं है यहाँ, यहाँ पे सॉक्स नहीं है, हम यहाँ पे ढूंढ लिए। ये तो सूज है, सूज है, सूज रख दो। हाँ सॉक्स, ऐसा वाला सॉक्स ढूंढो, सॉक्स ढूंढो बेटा। ये ब्लू है, पर्पल नहीं है। दो 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 दीदी पहने की जाओ, एक ढूंढो, यही भी मिला एक और एक नहीं मिला, एक बार और देखते हैं। यहाँ पे बाबू तो टाई उधर से ढूंढ के दिया, फाइनली दूसरा सॉक्स भी यहीं था। बहुत एक एक करके झाड़े तो मिल गया, कपड़ा का बहुत ढेरी लग जाता है। क्या हुआ बेटा? पोटी करने तब से चप्पल फेंक के मार रहा, झाड़ू से मार रहा। क्यों मार रहे हो, क्यों खोलने बोल रहे हो? किसु वो वाला बकली है। क्या है? बकली।
आप लोग को नहीं समझ में आया किसू कह रहा ब्रोकली मतलब ब्रोकली मतलब फूल गोभी है ना हम लोग लास्ट से तो बजाते उसको बोलने वाला और देखिए ब्रोकली बोल रहा है सूप बना के पिएंगे इतना इसको मालूम है ब्रोकली का सूप बनता है लाओ ना ओए किसू क्या है बेटा ब्रोकली है पर इसको कॉलीफ्लावर बोला जाता है हमको हम सारा चीज दे दिए ये इसको इसका एडमिट कार्ड है सगुन का एडमिट कार्ड शार्पनर इरेजर स्केल सब कुछ ले ली है बस वाटर बोतल नहीं है क्योंकि ये इसका वाटर बोतल टूट चुका था तो अभी इसके पापा खरीद देंगे नया वाला पिछले बार जैसे मत खरीदना सगुन अपने फादर का चश्मा पहन लिया है क्यों वहां जा रही है करिए चश्मा करने के लिए तो सगुन चलो राधे राधे करो एग्जाम है आज से अंकल आंटी हमको आशीर्वाद दीजिए मेरा आज से मैथ वाला टेस्ट है फिर कल हिंदी में पता नहीं क्या है टेस्ट नहीं एग्जाम है चलो आगे बोलो वो सब तो ठीक है लेकिन अगर नहीं लिख के आई ना तब तुम्हारा हम चश्मा सब निकाल देंगे इसका ये भी ग्लासेस भी छोड़ दीजिएगा इनका है वैसे मेरा नहीं है तुम्हारा इसीलिए फोड़वा देगी चलो एग्जाम पूरा अच्छा से लिखेगी सब नहीं मजाक नहीं हाँ छुड़ाना होगा तब हटेगा जा बेटा गेट खोल दो तुम ही जा रहे स्कूल हाँ डोबो भी चला गया छोड़ने बाय किसू बाय बाय बेस्ट ऑफ लक ये भी जाएगा देखेगा कहाँ जा रहा है सब लोग डोबो कहाँ गया तो डोबो सीडन हाँ हाँ बैठो 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 तो इसका तबीयत ठीक हो गया है कल डोबो का ला दिए थे ना किसू डोबो खाया अपना वाला इतना प्यार से हमको देखता है ना डोबो भी अब समझता है सारी बातें अब पहले जैसा अल्हड़ नहीं रहा है मैच्योर हो गया है अब डोबो बोलते हैं बाहर जाओ बाहर चला जाएगा अच्छा अब कोई चीज तोड़ फोड़ कपड़ा लपड़ा नहीं करता है इधर दिखाओ किस डोबो इधर इधर अंकल आंटी की तरफ इधर देखो हाँ इधर देखो इधर देखो तो इसको जो जो बोलते हैं जो जो समझता है अभी पूछे ही ला रहा टोए 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 बहुत समझदार बच्चा है बहुत हम जब गुस्सा करते हैं ना बाबू लोग पे मारने उड़ने लगते हैं ना तो ये भी अंदर घुस के बैठा रहेगा जैसे देखेगा माहौल खराब हो गया ना भाग लेता है सोचता है हमको भी मार उड़ देगी गुस्सा में तो कोई भरोसा नहीं है और पीछे जितना देख रहे हो ना यहाँ पे ग्रीन ग्रीन फैला हुआ है सब काई है और हम भी फिसल गए थे बाबू भी फिसल के गिर गया था और कल रविवार था तो हम सोचे कि साफ करवा देंगे इससे लेकिन लड़ाई ही इतना हो जाता ना कि कोई काम कैसे करवाइएगा और यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं फिसल के और गिर जाऊँगी और जो भी थोड़ा बूढ़ा चल पा रही हूँ वो भी नहीं चल पाऊँगी इसीलिए मैं सोची थी करवाऊँगी लेकिन अभी वो भी फिसल रहा था इसीलिए बोला कि यहाँ पे कैसे साफ होगा कोई आइडिया बताओ वैसे ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे छींटने से हो जाएगा साफ लेकिन वही बात है कि इसको जितना कुछ मंगाइएगा वो भी मुश्किल वाला बात है अभी 110 रुपये का क्रीम था और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा खर्चा नहीं कराऊँ मैं भी चाहती हूँ लेकिन यही इसका लापरवाही से ही हो जाता है अभी इस क्रीम से गुजारा होगा नहीं अभी मुझे दूसरा चाहिए ये रिटर्न होगा भी नहीं क्योंकि रैपर इसका फट चुका है दरवाजा खोल दो सोनू दादू आए हैं खोलो नीचे रखो हाँ नहीं छुएंगे जाओ ना खोल रहा खोलो ना दादू खड़े हैं हटो ना किचू हटो बेटा टाइट खुल गया खुलता टाइट है हटो हटो नहीं ठीक है ये भाग जाता है खोल के टाइट है ना नहीं खोल पाता है जग रख दो अब नया जग तुम तोड़ मत देना बेटा जाओ रख दीजिए तो एक जग पानी लाडो ना किसी ब्रश करेंगे लाडो ना नल से
रेड है, हल्ला नहीं है, हल्ला नहीं है, हरा को हल्ला बोलता है, हल्ला नहीं, ब्लू, हाँ बन गए टिटली टिटली लगाएंगे ना तो उसको साइड में इधर लगाएंगे, नहीं उधर धूप नहीं है, मर उड़ जाएगा ना, और सुंदर लगता है, रेड रेड खिलता है ना, अच्छा लगता है, दो ना यहाँ किनारे तो रहेगा, सोचे थे शगुन आएगी तब लगाएंगे, लेकिन ना तब तक मर जाएगा, इधर हाँ डाबी मिट्टी डालो, दो महीना बाद डालोगे, बबुआ उधर किनारे रोपेंगे ना कुछ कुछ, खुरपी ला लो ना थोड़ा सा, यहाँ पे किचन में, मतलब ऐसा जगह में जहाँ दिखना चाहिए, ये शो प्लांट है, हम कह रहे ना इसको वही वाला डब्बा में लगा देते, पिंक वाला में, क्या वही लगा दे, नहाएगा क्या बेटा, जा नहा, नहा करेगा तो पापा से नहा लो, जा 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 नहा लो, मत नहा, देखिए रेड रेड खिला हुआ ना, ऐसा ही खिलता है, आप लोग देखे होंगे फूल, इसका नाम हमको नहीं पता, बहुत पहले देखे थे ये वाला फूल, अच्छा बंद करो किसू, अच्छा घिसा अंदर घिस दो ना, तो यहाँ पे नहीं, प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर बारिश का पानी से गल सकता है, हम रिस्क नहीं लेंगे, फूलों को वहाँ लगाएंगे अमरूद का पेड़ के पास, अच्छा से करो अंदर करो, डांट चढ़ गया तेरा, कैसे ना सामने नीचे अंदर में ठू करो, इधर देखिए फूल लग गया मेरा, सुंदर सुंदर फूल, यहाँ लगाए एक और एक यहाँ, इसका जड़ है सिर्फ, पता नहीं ये लगेगा कि नहीं, और एक उधर लगा है, अगर लग गया फूल तो यहाँ पे सुंदर सुंदर लगेगा रेड रेड, तो वो ऑफिस से लग गया और फाइनली हम भी नहा लें, क्योंकि भादों का धूप और बारिश दोनों कहर बरसाता है, उतना देर तक हम फूल पौधा लगाए, फिर जब आगे आने लगे देखिए घास है, तो हम घास को साफ करने लगे, साफ करने लगे, उधर भी घास था उधर भी था, इतने देर में, और ब्लैक जो कपड़ा पहने थे ना गर्मी से बेहाल हो गए, फिर हम भागे भागे बाथरूम में सीधे नहाए, उसके बाद फिर बासी भात खाए कल का खाना, क्योंकि कल ज़्यादा बना लिए थे चावल, तो फेंकने में बहुत अफसोस लगा, तो हम खाए और कुछ पंछियों के लिए रख दिए, ख़राब नहीं हुआ था, फेंकने में अच्छा नहीं लगता, अब फाइनली हम लोग इंतज़ार करेंगे शगुन के आने का, क्योंकि उसको हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, इतना छोटा बच्चा को नहीं दिया जाता है फिर भी, तो देखते हैं शगुन आज क्या करती है, एग्जाम में आज मैथ है, टेबल्स वो कहीं कहीं भूल रही थी, फिर भी देखते हैं क्या करके आती है, सारा कुछ हम इसको तैयारी करा के भेजते हैं, हमको पता चलता ना हम कितना मुश्किल से इसको पढ़ाते हैं, एक छोटा बच्चा रहता आगे पीछे, कभी पेंसिल छीन लेता है, कभी कॉपी छीन लेता है, सारा काम छोड़ के हम बैठ के पढ़ाते रहते हैं, कारण हम इसको ट्यूशन नहीं भेज पाते हैं, कितना तकलीफ होता ना हम जानते हैं, कुछ नहीं लिख के आई, सिर्फ इसलिए कि स्लो है, बहुत स्लो लिखती है, इतना इसको हम रिकॉल कराते रहते ना, लिखो लिखो, हम जानते हैं मेरे पे बीतता है, इस आदमी को तो एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता यार कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं लिख रहा है, मेरे पे क्या बीत रहा है, ये आंख है ना, पढ़ाते पढ़ाते मेरा इतना दर्द हो गया ना, माथा फटने लगता है, मैं कितनी बार बोली मुझे डॉक्टर पास ले चलो चश्मा बनवा दो, नहीं तो नहीं लेके जाता है, मैं तब से इंतजार कर रही हूँ कि लिख के आएगी, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं जिसको मैं नहीं पढ़ाई हूँ या फिर इसको नहीं आता है, बहुत मुश्किल होता है यार अकेले सब कुछ करना, कुछ उम्मीद में ही करती हूँ ना कि हाँ चलो जी जान लगा करके किसी चीज में लगी हुई, कभी तो रिजल्ट आएगा, किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का नहीं, ना अच्छा बोलने के लिए, बुरा बोलने के लिए सब कोई है, आप में से भी कुछ लोग आके सलाह दे देते हैं, उससे मेरा ना गुजारा नहीं चलता, मेरा स्ट्रेस भी कम नहीं होता है, आप लोग सोचते होंगे कि एक लाइन अच्छा बोल देंगे और अपने आप को बहुत बड़ा कुछ ज्ञानी बता लेंगे और मुझे नीचा दिखा देंगे, है ना, मैं जितनी कष्ट में हूँ ना, अगर 1% भी आप सबको वो वाला कष्ट मिल जाएगा ना, मैं तो कभी कभार हंस भी लेती हूँ, आप सब हंसना भूल जाइएगा, मैं अगर आज छोड़ दूंगी ना उसको पढ़ाना खिलाना, शगुन का अस्तित्व तक नहीं मिलेगा, वो बच्ची ऐसी है ना
उसके पीछे मैं कितना लगी रहती हूँ ना, ये मैं जानती हूँ। और याद से नहीं, 6 साल से कंटिन्यू उसको छोटे बच्चे की तरह खाना खिलाना, कुछ भी नहीं खुद से खा सकती है, कुछ नहीं, खाना वो खाती ही नहीं है।